अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। नाज़रीन मुलाहज़ा फरमाइए, पाकिस्तान पीपल पार्टी स्पोर्ट्स विंग डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के सदर मलक मोहम्मद नज़ीर अवान का खसूसी इंटरव्यू सीनियर सहाफ़ी रिफत अली कैसर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बका के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और हम मर तो सकते हैं लेकिन पीपल पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते। हमारे अबाव और दाद ने भी इस पार्टी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और यही वो पार्टी है जो पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकाल सकती है और गुर्बत के खास खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल के आज़ाद उम्मीदवार की हमायत करना इलेक्शन में हमने अपने कायदीन से मशवरा करके किया था। मुलाहज़ा फरमाइए नज़ीर अवान का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और देखते रहिएगा आपका मेज़बान रिफत अली कैसर। नाज़रीन इस वक्त मैं स्पोर्ट्स विंग डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर नज़ीर अवान साहब के पास बैठा हूँ। तो मलक साहब का एक अरसे से पीपल पार्टी से ताल्लुक रहा है और है आप भी पीपल पार्टी के लिए ग्राम का खिदमत है इनकी जो कभी भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। तो जी मलक नज़ीर अवान साहब, आप बताइएगा कि हालिया जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन जनाब लाहौर भुट्टो जरदारी साहब गद्दा का जो दौरा करके आए हैं उसमें अकलियतों के हकूक की उन्होंने बात की और उन्होंने इंसानियत के हकूक की बात की जो पूरी दुनिया इसको खराज तहसीन पेश कर रही है और बिलखसूस इंडिया वालों ने इस मामले में बड़ी उनको आग लगी है और बड़ा उन्होंने शोर शराबा किया है, एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने फजूल लूट पुटान बातें भी की हैं। तो आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो ये है कि आपका शुक्रगुजार हूँ जी कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। दूसरी बात ये है जी कि इंडिया वाले तो आपको पहले भी पता है कि वो शिद्दत पसंद टाइप के लोग हैं और दुनिया पूरी ने हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश किया और वो जो कुछ भी करते आए हैं उनका माजी भी अगर आप उठा के देखें आपके सामने है। उन्होंने तो ये जो दहशत गर्दी की बुनियाद है ये उनकी तरफ से यहाँ पे आई है। अभी उनका हाल देख लें, चाइना के उस तरफ जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे भी वो पीटा जा रहा है, उनको वहाँ पे भी उनको कूटा जा रहा है उनकी इन वजूहात की बना पर। तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके साथ इस बयान पे क्या हर बयान के साथ जो उनका एक पॉजिटिव कदम होगा इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, तो हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना है और यकजहती का आज़ाद करते हैं। जी नाज़रीन, इन्होंने जो फरमाया डॉक्टर साहब ने कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर ख़ारजा है और दुनिया में कम उम्र के पहले वज़ीरे ख़ारजा है जिन्होंने जवान मर्दी का सबूत दिया और अपने नाना जान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से हम ग्रेज नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो इस्लामाबाद में हालिया इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या आप देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो विन करेगी? देखें जी सबसे पहले तो ये है कि पार्टी का विन करना तो